दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सब? आज मैं आप सभी के बीच में वीडियो लेकर आया हूं। बस सिम्युलेटर इंडोनेशिया गेम का सिस्टम सेटिंग पूरी जानकारी पार्ट दो। पहला पार्ट आप सभी ने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद में दूसरा पार्ट देखिए, ताकि आपको गेम की पूरी सेटिंग समझ में आए। पहले पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पहले पार्ट में हमने बताया कि बस सिम्युलेटर इंडोनेशिया गेम की सेटिंग मैनेज करने का और प्रोफाइल आईडी लॉगिन करने का तरीका। अब हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे बस सिम्युलेटर इंडोनेशिया गेम का मेन्यू पार्ट क्या है, जैसे कि फ्री मोड, करियर मोड, टूर मोड, मल्टीप्लेयर मोड, शॉप, गैराज, ड्राइवर, व्हीकल और मैप्स मोड इत्यादि। पूरे मेनू में आपको क्या क्या मिलने वाला है और बस को कैसे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है कॉइन की, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे कि मेरे पास है ये आरपी कॉइन। अब इस कॉइन को कैसे बढ़ाना है, सबसे पहले तो एक इजी तरीका बताता हूँ। आपको एक ऊपर कॉइन वाली लाइन में एक गिफ्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो जॉब्स अवेलेबल दिखाई देंगे। जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड आएगी, जहाँ पर आपको 10,000 आरपी कॉइन मिलेंगे और दूसरी ऐड में आपको मिलेंगे 15,000 आरपी कॉइन। आरपी कॉइन इकट्ठा करने का यह एक साधारण तरीका, हर आधे घंटे में आपको दो ऐड मिलेंगे। अब चलते हैं मेनू पार्ट में, कहां पर कॉइन मिलेगा, कहां पर कॉइन खर्च होगा और कहां पर कॉइन नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे फ्री मोड की। फ्री मोड ओपन करके मैप्स चुन के जैसे ही गेम स्टार्ट करेंगे तो आपको फ्री मोड में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे कितना भी खेलो सब कुछ फ्री है, नहीं तो कॉइन मिलेगा और ना ही कॉइन खर्च होगा। उसके बाद में आता है करियर मोड। इसमें क्या होता है, आपको पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करना होता है। करियर मोड ओपन करके आप जैसे ही मैप्स चुनेंगे तो मैप्स का नाम और आरपी कॉइन बताएंगे, आपको इतने कॉइन मिलने वाले हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपका करियर मोड स्टार्ट हो जाएगा। गेम स्टार्ट होते ही आपको गेम में पैसेंजर खड़े दिखाई देंगे, जहां पर बस खड़ी करके आप पैसेंजर उठा लीजिए। पैसेंजर उठाने के बाद आपकी डिस्प्ले में बताएं गए मैप्स के अनुसार करियर मोड पूरा करना है। जैसे ही मैप्स पूरा होगा आपको आपकी बताई हुई आरपी कॉइन मिल जाएगी। यहाँ पर आरपी कॉइन रिसीव करते वक्त आप ऐड देखकर उसे डबल कर सकते हैं। उसके बाद में आता है टूर मोड। इस मोड में क्या होता है, जैसे ही आप टूर मोड वाला ऑप्शन चुनेंगे तो आपके सामने बहुत सारे टूर अवेलेबल दिखाई देंगे। कोई भी टूर चुनेंगे तो आपको पहले ही आरपी कॉइन और मैप्स दूरी बता दिया जाएगा। गो पर क्लिक करके टूर मोड स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको पैसेंजर लोकेशन बताई जाएगी। लोकेशन पर जाकर पैसेंजर उठाइए और डिस्प्ले में बताएं गए मैप्स के अनुसार टूर मोड के लिए रवाना हो जाए। टूर मैप्स पूरा होते ही सभी पैसेंजर नीचे उतरेंगे, सेल्फी फोटो और वीडियो के साथ एंजॉय करेंगे। आप भी साथ में घूम सकते हैं। उसके बाद में उन सभी पैसेंजर को वहीं पर लाकर छोड़ना होगा जहां से आपने उठाया है, तब टूर मोड कंप्लीट होगा और आपको आरपी कॉइन मिलेंगे। उसके बाद में आता है मल्टीप्लेयर मोड, जो आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन 10 लोगों का ग्रुप बनाकर खेल सकते हैं। मल्टीप्लेयर मोड पर क्लिक करते ही सबसे पहले 40 आरपी कॉइन जमा करने होंगे। जैसी आप कॉइन जमा करके मल्टीप्लेयर मोड में एंट्री करेंगे तो आपके सामने सर्वर चुनने का ऑप्शन आएगा। एक तो ऑटोमेटिकली सर्वर चुनने का ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिकली सर्वर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
तो आप ऑटोमेटिक किसी सर्वर में जुड़ जाएंगे। और अगर आप अपने पसंदीदा सर्वर में जुड़ना चाहते हैं, तो साइड में बहुत सारे सर्वर के नाम आएंगे, जैसे एशिया, जापान, यूरोप, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका इत्यादि सर्वर के नाम आएंगे। कोई भी एक सर्वर चुन लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एशिया सर्वर चुन लेता हूँ। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे रूम बने हुए दिखाई देंगे, जिस जिस रूम पर लॉक लगा हुआ है। लॉक वाले कोई भी रूम को हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बीच में कोई बिना लॉक के भी रूम दिखाई देंगे। बिना लॉक वाले कोई भी रूम को हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी अनजान रूम में ज्वाइन नहीं होना चाहते, तो उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है सर्च करने का। अगर आपके दोस्त ने कोई रूम बनाया है और आपको रूम का नाम बताया है, तो सर्च कीजिए, आपके सामने रूम का नाम आ जाएगा। उस रूम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है क्रिएट रूम। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना पर्सनल रूम बना सकते हैं। और उसके बाद में आता है रैंडम रूम। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक किसी अनलॉक रूम में जुड़ जाएंगे। अगर आप किसी अनजान रूम में नहीं जुड़ना चाहते हैं और खुद का रूम बनाकर 5 लोगों या 10 लोगों का ग्रुप बनाकर खेलना चाहते हैं, तो क्रिएट रूम पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपको रूम का नाम लिखने का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पर अपने रूम का नाम लिखिए। उसी के नीचे पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम में कोई भी अनजान व्यक्ति ऐड ना हो, तो वहां पर पासवर्ड लगाइए। और उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है आप कितने मेंबर्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 या 5 या 10। यह चुनने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा मैप्स का। कोई भी अपने मनपसंद का मैप चुन लीजिए। और यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद नीचे आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट। वहां पर क्लिक करते ही आपका रूम बन जाएगा। अब आप अपने दोस्त को सर्वर का नाम, रूम का नाम और पासवर्ड, यह सभी चीज दोस्त को बता दीजिए। आपके द्वारा बताए हुए सर्वर का नाम, रूम का नाम और पासवर्ड, अगर आपका दोस्त सब कुछ सही सही लगता है, तो वह आपके साथ रूम में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद आपका दोस्त के पास रेडी होने का ऑप्शन आएगा। ग्रुप के जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, सभी रेडी होते ही आपके सामने स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका मल्टीप्लेयर मोड है जो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन रूम बनाकर गेम खेल सकते हैं। बस सिम्युलेटर इंडोनेशिया गेम सिस्टम सेटिंग पूरी जानकारी पार्ट 2 वीडियो में बस इतना ही। पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में आप सभी ने देखा गेम की प्रोफाइल, लॉगिन और प्ले मेनू, फ्री मोड, करियर मोड, टूर मोड, मल्टीप्लेयर मोड इत्यादि पूरी जानकारी। जल्दी ही आप सभी के बीच में तीसरे पार्ट का वीडियो आएगा, जिसमें गैरेज, शॉप, ड्राइवर मोड यानी कि बस को मॉडिफाई कैसे करें, व्हीकल मोड एंड मैप्स मोड कैसे ऐड करें इत्यादि पूरी जानकारी बताई जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज बस सिम्युलेटर इंडोनेशिया गेम से जुड़े न्यू अपडेट के साथ वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।